हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ साउथ का बहुत ही फेमस स्वीट डिश रवा केसरी, जिसे केसरी भात के नाम से भी जाना जाता है, जो किसी भी स्पेशल ओकेशन पे या फेस्टिवल पे आप बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सेमोलिना सूजी, जिसे रवा भी कहा जाता है। उसके अलावा मैंने लिया है एक कटोरी शक्कर, एक कटोरी से थोड़ा सा कम है। आप ज़्यादा मीठा कर खाते हो तो एक कटोरी लेना। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसे प्योर घी में बनाऊंगी। हमें 1/4 कप घी लगेगा। ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बट केसर कंपलसरी है। किशमिश, बादाम, काजू, सूखा नारियल और इलायची फ्लेवर के लिए मैंने लिया है। सबसे पहले मैंने रखा है पैन, उसके बाद मैंने डाला 1 स्पून घी। घी जैसे मेल्ट हो गया, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने डाला है काजू, फिर बादाम, उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा भून लूँगी। भुनने के बाद मैं बाकी सारे ड्राई फ्रूट को भी इसमें रोस्ट कर लूँगी। किशमिश और सूखा नारियल मैं लास्ट में डालूँगी, क्योंकि वो थोड़े जल्दी जल जाते हैं। अभी मैंने किशमिश, सूखा नारियल डाल दिया, इनको अच्छे से भून लिया। जैसे ये थोड़े भुन गए, अब मैंने निकाल रही हूँ प्लेट में। प्लेट में निकाल के अब सेम इसी पैन में मैं सूजी को रोस्ट करूँगी। मैंने डाला है 1 कटोरी सूजी। 1 कटोरी सूजी डाल के धीमी आंच पे इसे हल्का सुनहरा, या जब तक इसमें से खुशबू नहीं आता तब तक मैं इसे भून लूँगी। हमें एकदम धीमी आंच पे भूनना है। अगर हाई फ्लेम पे भुनेंगे तो सूजी बहुत जल्दी जल जाता है। दूसरी तरफ मैंने रखा है 2 कटोरी पानी। 1 कटोरी सूजी लिया है तो मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। 2 कटोरी ही पानी डालना है। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो जो रवा केसरी है वो थोड़ा सा गीला बनेगा, खिला खिला नहीं बनेगा। अब पानी भी गर्म हो रहा है, सूजी भी भुन रहा है, मैंने धीमी आंच पे एकदम चलाते हुए इसे भुना है। ये रवा केसरी बहुत जल्दी बनता है। मुझे थोड़ा सा सूखा लगा तो मैंने अराउंड 1 स्पून इसमें और घी डाला है। घी डाल के इसे लगातार चलाते हुए मैंने गोल्डन ब्राउन होते तक या सुनहरा होते तक इसे भुन लिया है। अब के रवा अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर का पानी। इसका मेन इंग्रेडिएंट ये केसर ही है, केसर, घी और ड्राई फ्रूट्स। अब मैंने केसर डाल के इसे अच्छे से लगातार मिला रही हूँ। पानी डालने के बाद हमें रुकना नहीं है, कंटिन्यूसली इसे मिलाना है, अदरवाइज रवे में गुठलियाँ पड़ जाएगी। सूजी का हलवा भी थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है, बट बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सूजी में हम लोग पहले शक्कर डालते हैं उसके बाद पानी, बट इसमें पहले हम लोग पानी डालते हैं फिर उसके बाद शक्कर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी शक्कर। शक्कर डाल के अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। शक्कर डालते साथ इसमें थोड़ा सा पानी छूट जाएगा। अब हमें अच्छे से इसे धीमी आंच पे एकदम भुनना है। आप देख सकते हैं इसमें से शुगर अपना पानी छोड़ रहा है और ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। हमें कंटिन्यूसली इसे मिक्स करना है। अब बीच बीच में इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना है। इसमें मैंने 1/4 कप घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट 1/4 कप सफिशियंट है। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, थोड़ा सा डाल के अब मैं इसे भून रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और डालूँगी। यहाँ पे गैस का फ्लेम स्लो रखना है और लगातार इसे मिक्स करते रहना है, अदरवाइज़ इसमें गुठलियाँ बन जाएंगे। अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ घी डाल रही हूँ। घी डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूँगी हमारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स। ये रवा केसरी बहुत जल्दी बनता है। इसे साउथ में एज अ डेजर्ट भी बनाया जाता है, और किसी स्पेशल ओकेशन पे, फेस्टिवल्स पे, जैसे नवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी पे ज़रूर बनाया जाता है और भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है। अब मैंने इसमें डाला है ड्राई फ्रूट्स और कुटी हुई इलायची डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। बस हमारा रवा केसरी बनके रेडी है। मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक के रहने दूँगी। ढक के रखने के बाद मैं 2-3 मिनट बाद इसे निकाल के चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये काफ़ी खिला खिला बना है, बहुत ही अच्छा बना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और एकदम खिला खिला है। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी रवा केसरी बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।